इसलिए संसद में शांति धरती है। श्री सतगुरु महाराज की बिल्कुल बातचीत न करें। देखा जा रहा भगवान कृष्ण ही गुरु की महिमा बताते हैं। भगवान अवतार है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं और क्या कहते हैं, यद्यपि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ का बागडोर अपने हाथ में ले लिए, भगवान इतना दयालु है जब महाभारत के युद्ध में और वो पांडवों की सेना खड़ी है, आज विष्णु पितामह ने विष्णु प्रतिज्ञा किया है, आज ये पांचों पांडव देखो पांचों पांडव को समाप्त कर दूंगा, कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा। विष्णु पितामह इतना मान की बौछार करने लगे, अग्नि बाण बरसाने लगे, चारों तरफ अंधकार छा गया, कई बाण अर्जुन को लगे, खून की धारा निकलने लगी, घोड़े को लगे, एक बाण तो भगवान की बाहों में भी लगा। अंतर कथा के आधार पर भगवान यानी भगवान भी घबरा गए। अर्जुन कहता है प्रभु, भगवान कृष्ण कहता है अर्जुन बचाओ, तो अर्जुन बोलता प्रभु मैं आपको क्या बचाऊंगा, आपने तो मुझे बचाने की प्रतिज्ञा किया, एक ऐसा हो अपने युद्ध में हार जाऊंगा, यदि मैं युद्ध में हार जाऊंगा तो क्या करूंगा केशव। भगवान कृष्ण कहते मेरे प्यारे तो युद्ध में नहीं हारेगा, बोले यदि हार गए तो क्या करूंगा, हमारा भगवान ही हार गए, वो हमसे सहायता मांग रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्ण सत्य बोल रहा है तो नहीं हारेगा, यदि हार गया तो क्या करोगे बताओ। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम हारने लगोगे ना तो मैं धरती को अपने हथेली पर उठा लूंगा और धरती को पलट दूंगा और देख मेरा सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र से ढक लूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, गोकुल के गोरस में सौ सौ बार बचलते देखा और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के लिए नियम बदल देते हैं। विश्व पितामह को रथ का पहिया लेकर बाहर निकल दौड़े, विश्व पितामह ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु इसका पक्ष आप ले ले उसे तो हार जाने अच्छा, लेकिन भगवान से भी दया करने वाले विशेष कौन है जानते हैं, सतगुरु। सतगुरु मिले तो उन्होंने बाबू नहीं तो पतले हुआ। अब भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह देते कि अर्जुन में मिल गया हो अब तुम्हारा कल्याण हो गया, लेकिन नहीं भगवान ने क्या कहा, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम् तत्वदर्शिनः। अर्जुन तत्व ज्ञानी तत्वदर्शी सतगुरु के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो और उनसे प्रश्न पूछो, उनसे जिज्ञासा करो, वो तुम्हें प्रभु ज्ञान का उपदेश करेंगे। अच्छा भगवान भी अगर ये कह देते मैं भगवान हूं मैं मिल गया तुम्हारा काम कर गया तो गीता दो कोड़ी का हो जाता, लेकिन भगवान भी सतगुरु के पास भेज रहे हैं। तोतापुरी थे ना, तोतापुरी गए थे आप प्रबंध समात्मा थे, तोतापुरी जानते हैं रामकृष्ण भगवान जी महाराज से मुलाकात हुई, वो माता जी की पूजा करते थे, अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि रामकृष्ण भगवान कोई साधारण महात्मा नहीं, बड़े साफ सुथरे हैं, हृदय के पवित्र हैं, अधिकारी हैं, तो तोतापुरी ने कहा मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, दीक्षा लोगे। तो रामकृष्ण कहते हैं मैं पहले मां से पूछूंगा, माता जी से, वो कहेगी तब लूंगा,
कहीं जाओ पूछ लो। जाते हैं मां से पूछते हैं, मां तोतापुरी नाम की कोई महात्मा है वो हमसे कहते हैं ब्रह्म दीक्षा ले लो। मैं क्या करूं मां बताइए। मां आंख बंद कर लेती है, कहते बेटा तोतापुरी परमहंस महात्मा है, वो संत है, उनसे दीक्षा ले लो। अब रामकृष्ण भगवती बाबा कहते मां 50 बार तक तुम्हारी में सेवा किया, पूजा किया, पानी भरते भरते हमारे हथेली छिल गए, आंगन लिपते लिपते हमारे हथेली घिस गए, पानी लाते लाते पांव घिस गया। 50 बार तक सेवा करा ली, कहते किसी और के शरण में चले जाओ, संत के शरण में चले जाओ, पहले क्यों नहीं भेजी थी। मां का जी कहते बेटा हमारी 50 साल तक सेवा करने का यही फल हुआ कि तोतापुरी जैसे संत तुम्हारे घर में दीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। तोतापुरी जैसे संत आज दीक्षा देने के लिए तुम्हारे घर में आए हुए हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दया। हम पर कैसी कृपा करिए तो गुरुदेव की तरह कृपा करिए। सहजो भाई लिखती है राम तजु मैं गुरु ने बिसारो, अब गुरु के समुख हरि को निहारो, हरि ने जन्म दियो जगवाही, अब गुरु ने आबा गुण छुटाही, राम तजु मैं गुरु ने बिसारो, गुरु के समुख हरि को निहारो। हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु ज्ञान रूप गुरु ज्ञान समझ रूप उनकी ज्योति अनूप उनके नाशे तपूप भजो साध गुरु है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक दिन गुरु पर बोल रहे थे, गुरु से बहुत प्रभावित हो चुके थे, गुरु उनके हृदय में बैठ गए थे, सदगुरु का साक्षात्कार हो गया था। वो क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे गुरु पर और आंख से आंसू टपक रहा था। एक बड़ा विद्वान ने कहा एक गुरु क्या बना है, एक गुरु शब्द बोल करके रो रहा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा एज ए गार्डनर इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स विद देम विद स्किल, एज ए बार्बर इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द वेस्टनेस एंड मेक्स इट लवलियर। सदगुरु क्या है तुम जानते हो, जैसे माली बगीचा के झाड़ झंकार को काट करके सुंदर बना देता है, नाई तुम्हारे बाल दाढ़ी को काट करके तुमको हैंडसम बना देता है, सुंदर बना देता है, कारपेंटर बड़ी लकड़ी से सुंदर टेबल कुर्सी मेज बना देता है, कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा बना देता है। कबीर साहब के शब्दों में गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काण है खोट, अंतर हाथ संभाल दे बाहर बाहर चोट। बाबा देवी साहब जैसे महान संत थे, महर्षि वही का निर्माण करते। रामकृष्ण भगवान जी महाराज जैसे संत विवेकानंद जी को पैदा किया, जो देश और विदेश में भारत की कृति तज को वेदांत ज्ञान को पहुंचा दिया। एक ब्रजानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद जी जैसे महान विभूति को पैदा किया, जिन्होंने वेद के ऊपर भाष्य लिखा और संपूर्ण दुनिया में वेदांत का ज्ञान दिया। गुरु बिना भव नहीं जीता रहे न कोई, जो विरंज शंकर सो कोई, गुरु की कृपा से सब हो जाता है। दृष्टान्त का करके वाले को विराम दो। वैसे तो मैं कल भी नहीं बोला हूं, हमारे वीरेंद्र बाबू यहां बैठे हुए हैं। एक प्रेमदास प्रांतर की कोई गुरु भक्त था, महर्षि में ही परमान जी महाराज से दीक्षा लिया था। उपाघाट आता था, सेवा करता था, झाड़ू बुहाड़ू करता था, बड़ा संतोषी था। एक दिन गुरु महाराज मौज में आए और कहते प्रेमदास तुमको कितना बेटा है। प्रेमदास कहते गुरु महाराज हमारा बेटा नहीं छे, सबका बेटा नहीं छे। अरे प्रेमदास इतना दिन से तो हमारे पास आता था, तुम कभी बोला नहीं, तो सरकार तो सब जानते ही है, क्या बोले कितना सुंदर बात, बुजुर्ग तो सब जानते हैं, क्या बोले। गुरु महाराज मौज में थे, एक सेव उसको दे देते हाथ में, कहते प्रेमदास बहुत दिन से तू सेवा कर रहा है, जाओ अपने घर।
ये फल अपनी धर्मपत्नी को खिला देता है। प्रेम दास चला गया, वो फल अपने धर्मपत्नी को हाथ में दे दिया, बोला खा लेना, ध्यान करके खा ली। समय आया, डेढ़ दो साल के बाद हॉस्पिटल से बच्चा पैदा हुआ। चार छह घंटे तक बच्चा बिल्कुल ठीक रहा है, छह घंटे के बाद बच्चा को फीवर हो गया, बुखार। पहले बुखार हुआ, बुखार से मलेरिया हो गया, मलेरिया से टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड से फिर जॉन्डिस हो गया। इस तरह का रोग देखने बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया। कुछ दिन के बाद बच्चा पर तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा प्रेमदास तुम्हारा बेटा मर गया है, ले जाओ। प्रेमदास ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारा बेटा अमर हो गया है तो क्या तुम लिखवा के लाया था क्या? मौज में क्या बोलता है सतपुड़ी भाषा? हाँ लिखवा के लाया था। तो किससे लिखवा के लाया था? बोले अपने गुरु महाराज से लिखवा के लाया था, हमारे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है हमारा बेटा नहीं मर सकता है। अरे भाई मैं पुराना डॉक्टर हो चुका हूं, इलाज करते करते हमारा बाल सफेद हो गए हैं। नहीं नहीं हमारा बेटा नहीं मर सकता है। नहीं नहीं प्रेमदास ले जाओ, देखो तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, न उसकी आंख में ज्योति है, न उसकी छाती में सांस है, धड़कन है, ले जाओ। अब तौलिया में लपेट लिया उसके माँ बाप बेटा को। बगल में एक नदी थी, रोते भी जा रहे थे उसके माँ बाप। हे गुरुदेव आपको नहीं देना था तो नहीं देते, दे करके छीन क्यों लिए? मैं मांगने भी तो नहीं गया था, अपने बोझ में दिए थे। ये कह करके खूब रो रहा था। प्रेमदास को भी रुलाई आ गई, वो भी यही बात करने लगा, हे गुरुदेव नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन देकर छीन क्यों लिए? संत की वाणी तो झूठी नहीं होती, चाहे जो भी हो जाए लेकिन आपका चरण मैं नहीं छोड़ूंगा, आप हमारे गुरुदेव हैं। कहा गया है श्रद्धा वाल लभते ज्ञान, जिसमें श्रद्धा और विश्वास होता है उसको ज्ञान होता है, उसको भक्ति पूर्ण हो जाती है, उसको सब कुछ मिल जाता है। सकल पदार्थ है जगमाही कर्म हीरे दर पावन में। क्या होता है बच्चा को ले जा रहा है नदी के घाट पर, सोचा रखेंगे, बच्चा को जिंदा रखा, बच्चा रोने लगा, बच्चा जिंदा हो गया। तो जो न करे लकीर असो करे फकीर, गुरु की कृपा से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभा विषय त्यागो, दुर्लभा तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा मिला। विषय तो का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहज समाधि लग जाए दुर्लभ है, गुरु की कृपा से सब हो जाता है। हुकम करो थी वाचालम अंगम लंगे दिग्रिम यद कृपा तत्म बंदे परमानंद माधव। गुरु की कृपा से क्या नहीं होता है? गुरु की कृपा से सब काम बन जाता है। अभी सुन रहे थे गुरु के चरण की महिमा, आभार रूप मिट्टी रूप आभार रूप अप्रमोति रूप। श्री गुरु पदमक मणिकर ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ज्योति, गुरु के चरण का रूप मणियों की ज्योति है, जिसका चिंतन करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। वो स्वामी जी लिखते हैं उघर ही निमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख अब रजनी के सूझत राम चरित बिमानिक गुप्त प्रगट गे जे जे ही खानिक। गुरु के भक्त को अहंकार नहीं होता। हनुमान जी को अहंकार नहीं हुआ था। हनुमान जी जब लंका जला करके आए थे ना, तो भगवान श्री राम ने पूछा था हनुमान लंका कैसे जल गई? तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु लंका जल गई श्री राम जी के प्रताप से। अरे हनुमान लंका श्री राम के प्रताप से जल गई, लंका तू क्या था? बोलता नहीं प्रभु लंका जल गई श्री राम जी के प्रताप से। फिर हनुमान जी कहते प्रभु लंका जल गई जानकी जी के संताप से। अरे जानकी जी के संताप से लंका जल गई? बोला हाँ। फिर कहते हैं प्रभु लंका जल गई विभीषण के जाप से। अरे विभीषण के जाप से लंका जल गई? फिर हनुमान जी कहते प्रभु लंका जल गई रावण के पाप से।
रावण के पाप ने लंका जला दिया। फिर कहते हैं प्रभु लंका जल गई हमारे पाप से, और तुम्हारे पाप ने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु हमारे पिता का नाम पवन देव है, जब उन लोगों ने क्या किया हमारे पूछ में है, लंका में जितने भी पुराने चिथड़े थे कपड़े थे बांध दिया, किरासन तेल भिगा दिया, चंकी लगा दी, उछलने लगा, अब धाई धाई लंका जल गई। प्रभु राम की कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं होता है, गुरु की कृपा के बिना कोई काम नहीं होता है। इसलिए गुरु की कृपा क्या है, संसार में पूज्य है, इसलिए गुरु की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय।